इधर मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सरगुजा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर संभाग में अच्छी बारिश होने की संभावना है और बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चिन्हित निम्न दाब के रूप में एक सिस्टम है जिसके सामने साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। तो इसमें काफ़ी जैसे जैसे कमज़ोर होता है वैसे वैसे इसके जो विंड का पैटर्न है वो थोड़ा फैला हुआ आता है। तो इसी कारण से अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से नॉर्थ और बिलासपुर संभाग के कुछ ज़िले हैं जहां पर कि ये प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है, जिसके कारण से सरगुजा संभाग बिलासपुर संभाग में आज भी अच्छी बारिश होने की संभावना है और बाकी जो छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं उसमें है कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश है होने की संभावना बनी हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में अचानक हुई बारिश की वजह से करीब 70% सब्जियां बर्बाद हो गई। केवल 30% सब्जियां ही स्थानीय क्षेत्रों से मिल रही हैं, इसलिए सब्जियों के दामों में इन दिनों बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बढ़ाए गए, जिस वजह से भी सब्जियां महंगी हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से सब्जियां काफी ज्यादा खराब हुई है, इस वजह से अब सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे। हमारे साथ बात करने के लिए सब्जी मंडी के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी मौजूद है, उनसे जानेंगे किस तरीके से सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है। बारिश के कारण सब्जियां बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, इसके कारण सब्जियों के थोक और चिल्लर भाव में दोनों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। सबसे महंगी सब्जियों में खासकर जैसे हरी गोभी जो सब्जियों का राजा है, टमाटर और से लेकर लगभग सभी सब्जियां महंगी भी है। थोक में तो महंगी है ही, चिल्लर में दुगुना से तिगुना इसमें वृद्धि हुई है। और साथ ही हो ये रहा है कि अभी छत्तीसगढ़ में दिगर प्रदेशों से ज़्यादा आवक है, 70% बाहर से आ रहा है, तो हमारा स्थानीय उत्पादन जो 30% है वो तो प्रभावित हुआ ही है। बाहर की जो सब्जी आ रही है, एक तो डीजल में वृद्धि के कारण भी उसके रेट बढ़े हैं, यानी करेले पे नीम चढ़ना, तो कुल मिला के ऐसी स्थिति बन रही है कि ये अभी शुरुआत है महंगाई की। आगे महीने भर, डेढ़ महीने तक, दीपावली तक सब्जियों के रेट में वृद्धि ही बनी रहेगी, ऐसी संभावना है। हमारे साथ सब्जी मंडी के सचिव भी मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है क्या, उसमें दिक्कतें आ रही है? हाँ, दिक्कतें तो आ रही है क्योंकि रोड रास्ते बंद है, पूरे हिंदुस्तान में पानी अभी कंटिन्यू गिर रहा है। रोड रास्ते बंद होने की वजह से गाड़ियाँ समय पर नहीं आ रही है और कुछ सबसे बड़ा कारण है भाड़ा बढ़ना। भाड़ा अप्रत्याशित रूप से इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई भी चीज़ में 2-2.5 रुपये किलो तो सिर्फ भाड़ा का डिफरेंस हो जाता है, उस वजह से सब्जियाँ के रेट भी महंगे हैं और सब्जी भेजने वाले छोटे मोटे किसान भाड़ा की वजह से हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि वो बाहर माल भेजे, और उस हिसाब से यहाँ उसकी सप्लाई कम हो रही है और कम होगी भविष्य में, सब्जियाँ कम होगी, डैमेज बहुत हुई बारिश की वजह से, जिसकी वजह से कंटिन्यू अप्रत्याशित रूप से दिवाली का सीजन के समय तक सब्जी का ये रेट बढ़ ही रहेगा। जब तक नई फसल छत्तीसगढ़ में नहीं आती जब तक ये परेशानी रहेगी। तो जैसा कि अध्यक्ष और सचिव से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि आने वाले समय में और भी सब्जियों के दाम बढ़ना संभावित है और इसके अलावा जो नई फसल आएगी, जो नई सब्जियां उगाई जाएंगी, नवंबर के माह के बाद ही सब्जियों के रेट कम होने की संभावना नजर आ रही है, यानी कि आम जनता को अभी महंगाई का सामना कुछ महीनों तक करना पड़ेगा। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।